हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज आपको हम रस के बारे में बताएंगे। रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है, रस के कौन कौन से अंग हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। रस कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस की परिभाषा देते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य कहलाता है। रस की निष्पत्ति के संदर्भ में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में व्याख्या की है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो देखिए रस के कौन कौन से अंग हैं। रस के मुख्य रूप से चार अंग माने गए हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभव और चौथा संचारी भाव। अस्थायी भाव क्या है, अस्थायी भाव किसे कहते हैं। देखिए रस रूप में पुष्ट या पाणित होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव अस्थायी भाव कहलाता है। अस्थायी भाव 11 माने गए हैं। रतिहास शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वसलता और देवता विषयक रति 11 स्थायी भाव स्वीकार किया गया है। तो रति क्या है, स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को रति कहते हैं। हास किसी की अंग, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों से मन में जो प्रफुल्लता या हास्य उत्पन्न होती है उसे हास कहते हैं। आगे शोक, इष्ट के नाश, अनिष्ट के आगम के कारण मन में व्याप्त व्याकुलता शोक कहलाता है। क्रोध, अपना काम बिगाड़ने वाला, अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली प्रवृत्ति को क्रोध कहते हैं। उत्साह, दान, दया और वीरता आदि के प्रसंग में उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं। भय, अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता होती है उसे भय कहते हैं। जुगुप्सा, घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उससे संबंध न रखना रखने वाली प्रवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय, किसी असाधारण या अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं। निर्वेद, संसार के प्रति त्याग के भाव को निर्वेद कहते हैं। वात्सल्य, पुत्र के प्रति सहज प्रेम भाव वात्सल्य कहलाता है। देवता विषयक रति, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन में जो अनुराग या प्रेम उत्पन्न होता है देवता विषयक रति कहलाता है।